हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर आपको हम बताते चले कि जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो भी मामले हैं, खासकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएँ लाई जा रही है। क्या BPSC या शिक्षा विभाग अगर इन मामलों को घालमेल करने का प्रयास कर रही है तो इसके लिए क्या उचित कदम उठाए जाने चाहिए। जैसा कि सबको पता है कि नए अब जो सरकार बनी है वो NDA की सरकार बनी, यानी JDU और BJP की सरकार। तो जाहिर सी बात है कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, 11 बजे के आसपास बैठक होने हुई है और उसके बाद कई सरकार की तरफ से जो भी प्रावधान है उस प्रावधान को जो अमली जामा है वो पहनाने का प्रयास किया जाएगा। परंतु सवाल ये है कि TRE 1 में जो पद खाली थे, खासकर 24-25 हज़ार से ज़्यादा पद जो है TRE 1 में खाली थे, कई हजारों शिक्षक फर्जीवाड़े तौर पर पकड़े गए, उनको बाहर किया गया, तो उनके जगह पर नए लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया में अपनाई जानी चाहिए, उनको शामिल किया जाना चाहिए था। परंतु ये सब मुद्दों पर कहीं से कोई सवाल नहीं है। तो आज जो दोनों जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं, परंतु दोनों उप मुख्यमंत्री से सवाल है, खासकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी से, कि आप अगर आप सत्ता में नहीं थे जब यहाँ पर महागठबंधन की सरकार थी तो आप स्पष्ट बोलते थे कि 40,000 पदों पर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए। कई लोगों के ताप जब प्रेस के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के लोग ये पूछते थे तो आपने स्पष्ट कहा कि निश्चित रूप से जो धांधली हुई है TRE 1 में उस सब पदों पर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए और पूरक परिणाम जारी होने के लिए जो भी समस्याएँ हैं सबके समाधान के लिए कि सरकार की तरफ से क्या योजनाएँ हैं। तो फिर आज हम सवाल उन्हीं से पूछते हैं कि अगर आप सरकार में आ गए हैं तो क्या इन सब बातों पर शिक्षक अभ्यर्थियों के जो पूरक परिणाम हैं वो जारी होंगे, या फिर इसी तरह की चीज़ों पर आपने जो घालमेल करने का प्रयास जो महागठबंधन की सरकार की, या जो कहने का मतलब BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं KK पाठक, दोनों की तरफ से जितने भी मंतव्य दिए गए, पहली बार आपको बता दें कि जितनी भी चीज़ें मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट दिया गया और 4700 पद की सूची शिक्षा विभाग से BPSC को भेजी गई थी, सारी चीज़ों पर अपडेट अगर इस बात को लेकर है कि TRE 1 में आपको सबको पता है कि दर्जनों याचिका जो है माननीय उच्च न्यायालय में दायर हो चुकी है, परंतु अगर सरकार के जो मुखिया हैं और मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह की चीज़ें सरकार में आने के पहले अगर आप बोल रहे थे, अगर आज आप सरकार में हैं तो क्या TRE 2 के जो बातें हैं उसको लेकर किस तरह के प्रावधान हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों पर BPSC को एक चिट्ठी भेजा गया है शिक्षा विभाग से कि जल्द से जल्द यानी 31 तारीख के पहले तक TRE 2 के पूरक परिणाम जो ग्रीवांसेस सेल में दिए गए हैं उनको, और जो आपत्ति के रूप में काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, कई लोगों का कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ वो पार कर गए हैं, उनके लिए सारी चीज़ों पर अप टू डेट आपको बताने होंगे। तो एक बात स्पष्ट है कि BPSC की तरफ से जो घालमेल करने का प्रयास किया है, 3 तारीख यानी 3 दिसंबर के दिन एक चिट्ठी जारी हुआ था, 3 जनवरी को दिन कि हम लोगों के तरफ से एक चिट्ठी जारी हुआ है कि जो भी पूरक परिणाम करने का मतलब कि 14,700 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की तैयारी थी, परंतु उस चिट्ठी को वापस लिया गया और फिर छात्र जब शिक्षक अभ्यर्थी जब आंदोलन करने सड़क पर उतरे और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तब जाकर शिक्षा विभाग ने कहा कि 31 तारीख के पहले तक आप पूरक परिणाम जो भी लिस्ट है जो भेजा गया है जो पद खाली है सभी पर पूरक परिणाम जारी करने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ सरकार बदल गई है, परंतु सरकार में जो लोग नहीं थे आज पुनः उप मुख्यमंत्री पद पर हो गए हैं, तो उन DPC से भी सवाल है और सरकार के नए गठन के बाद से NDA से भी सवाल है कि सत्ता में आने के बाद ये ना हो कि जैसे महागठबंधन की सरकार में हुआ, आपको पूरक परिणाम के लिए TRE 1 से लेकर TRE 2 तक सभी मामलों पर पहल करनी चाहिए। अगर आप पहल नहीं करते हैं तो ये मान के चले ये भी सिर्फ सत्ता के लिए बस खेल होता है और ये बस ये शिक्षक अभ्यर्थियों से, छात्रों से आपका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। इन सब मामलों को लेकर अगर NDA की सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।